जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब इसी के बैग में आप लोगों को पानी टपकता है कभी कभी, टपकते हैं ना, ये कहां से आया? बस जल दो गैसों का मिश्रण है, कमरे के अंदर वो कूलिंग पैदा किया, उधर की एक गर्म हवा खींची, इंटेक्ट हुई, वायुओं से जल बन गया। इसका मतलब है जल दो गैसों का मिश्रण है। आत्मदेव यहाँ बैठा है, वो श्वास लेने की क्रिया कर रहा है। जब इसने प्राणों को लेना शुरू कर दिया तो इसकी संज्ञा जीव है। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। गौर से देखना, एक चेतन चीज बैठी है जो फील होगी आपको, जो श्वास ले रही। अब श्वास लेना, उस ताकत को फील करना, कोई है यहीं, फील कर रहा है, श्वास ले रही। आंख खोले, कुछ लोगों ने तो देखा ही नहीं, आंख नहीं बंद की, लगा कोई चेतन बैठा है, जिसको लगा हाथ खड़ा करे। मैं प्रमाण दूंगा शास्त्रों सहित, काहे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही जीवन के लिए पूर्ण नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए भ्रगुटी में एकाग्र होकर के साधन कर आत्मा को जान। देखो कहां भी जा रहा है, जब हम एकाग्र होकर यहां देखेंगे तो एक पावर मिलेगा आपको, जो सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं। यही वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं, जो अनुभूति कराई थी संकल्प विकल्प से रहित होकर के अष्टावक्र ने राजा जनक को यही अनुभूति कराई है। अब ये पूरी बॉडी को एक्टिव कर रहा है, पर ये ब्रेन के साथ में रह रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि मन कर रहा है या आत्मा कर रही है। यही आदमी वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, यही जजमेंट नहीं कर पा रहा है, पर आत्मदेव यहां पर एक्टिव है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, आत्मा ने फील कर लिया कि मैं भी बॉडी हूं, इसलिए शरीर की हर जरूरत के लिए आत्मदेव एकाग्र है। जो आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ हो जाते हैं वो ये वर्गीकरण कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जानते हैं ये मेरी आत्मा है, ये इस तरह शरीर नहीं है, इसलिए वो भौतिक पदार्थों के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते हैं और जीवित रह लेते हैं। ये कला है, ये ज्ञान है। जब ये आत्मा अपने स्वरूप को जानने लग जाती है तो फिर क्या करती है? मन का कहना नहीं मानती। अब ये बारीक विषय हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये साधारण नहीं है। ध्यान में बैठने का भी यही मतलब है कि एकाग्र बैठना। क्या बैठना? अपने में जाना। अपने में कैसे जाना? कोई बोतल में घुस जाना है? कॉन्शियस अपना कंसंट्रेशन एकाग्र करना। क्यों कंसंट्रेशन? आत्मा का अगर नजदीकी रूप है कोई तो वह है कंसंट्रेशन। तभी साहब कह रहे हैं सरस संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन साल हर बैगर। जब यूं बैठोगे तो क्या पता चलेगा? तरंगे मन के संदेश कैसे आ रहे हैं? आपको एक संदेश मिलेगा वहां से, टांग यूं करो। अब आत्मदेव टांग यूं करने लग जाता है, कहता है इधर ऐसे ऐसे करो। वो बिजी रखना चाहता है आपको, हमेशा बिजी, आपको अपने तक नहीं पहुंचने देना चाहता है। अगर आप अपने तक पहुंचे उसका खेला खत्म हो जाएगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप ये जान गए कि मैं एक आत्मा हूं, मन का खेल खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? उसका पावर खत्म हो जाएगा। मन का पावर क्या है? अज्ञान, चढ़ चेतना ग्रंथ पर गई, यहीं पर ही आत्मा और शरीर की गठान है, ठीक है। इसलिए इसे पंचवटी भी कहते हैं, पंचग्रंथि भी कहते हैं, यही है मामला। कहे कबीर गुरुपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा, देख दीदार को मगन मन हो गया, सकल भरपूर है नूर तेरा। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भरमना दूर भागी,
बाहरा भीतरा एक आकाश पर शुष्प ना डोड़ते हैं ज्यादा। अब चंचलता कहाँ है? सबसे पहले आत्मदेव काम में उलझा हुआ है। जब तक इस काम में उलझे हुए हो तो आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे माँ बच्चे को उलझा कर रखती है, उलझाते ना, कैसे छोटा बच्चा था उसे उलझाती थी ना आप, वो आपके पास रहना चाहता है पर आपको काम करना है, भोजन बनाना है, बाकी चीज करनी है, सफाई, आप उलझाती हैं उसे, कहीं झुनझुना पकड़ा कर, कहीं कोई बाल दे करके वो उसमें उलझ जाता है, आप उसे उलझा देती है नहीं, क्योंकि अगर वो आपके साथ में है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगी। तो माँ बालक को उलझाती है, आत्मदेव को माया और मन ने उलझाया हुआ है। किसमें? श्वास में, ठीक है। सिंगरा साहब कहाँ उलझाए? ये उसी में लगा हुआ है, इसको उलझा दिया गया, ये श्वास लिए जा रहा है छोड़े जा रहा है, ये इसी काम में लगा हुआ है, इसको उलझा रखा है, ये चंचल है श्वास, ये एकाग्र पूरा नहीं होने देती है, ये श्वासा कौन ले रहा है? अरे भाई मेरा सवाल है, आदमी मर गया तो श्वास क्यों नहीं ले रहा है? नाक तो उसका था, फेफड़े भी थे, श्वास लेने वाला चला गया, ठीक है, उड़ गए हंस ताल सुखाना, तो फेफड़े भी रहते। अब डॉक्टरों से सवाल पूछता हूं, फिर फेफड़े क्यों नहीं श्वास ले रहे जब इनमें सिस्टम थी? तो सांस को लेने वाला चला गया, पूरा मटेरियल ठीक ठीक गया है, मामला स्टॉप हो गया, एकदम फुल स्टॉप, कुछ नहीं हिल जुल रहा है, क्योंकि इसी से पूरा शरीर हिल रहा है। किससे? फोटोग्राफर जी क्या पता है क्या सांस से शरीर काम कर रहा है? पता है खड़े कैसे हो गए? ये भी सांस थी। बोल कैसे रहे हो? ये भी श्वास है। चल कैसे रहे हो? ये भी श्वास है। जितने भी काम कर रहे हो ये श्वास है, पर आदमी को ये पता नहीं। आओ मैं समझाऊंगा। यही प्राण नाभि में जाकर 10 रूपों में हो जाता है, ठीक है। जिनके खेत में नहर का पानी आता है हाथ खड़ा करो। हाँ भी कैसे आया? हाँ आपके खेत में कैसे आया? सुए में पानी कहाँ से आया? सुए में हाँ डैम में कहाँ से आया? हाँ पहाड़ों में पानी कहाँ से है? कहाँ तक पड़े हो? आदमी तेज है। क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुने। इस प्रकार आत्मदेव आदि बन चुका है, कंटिन्यू सांसाएं लिए जा रहा है। आप कैसे काम कर रहे हैं? इनसे मैंने सवाल पूछा, इनकी नहर में पानी डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरियों में पानी कहाँ से आया? ट्रिब्यूटरी से आया। ट्रिब्यूटरी में पानी कहाँ से आया? मेन कनाल से आया? नहीं, ब्रांच कनाल से आया। ब्रांच कनाल में पानी कहाँ से आया? मेन कनाल से आया। मेन कनाल में पानी कहाँ से आया? डैम से आया। डैम में पानी कहाँ से आया? नदी से आया। नदी से पानी, नदी में पानी कहाँ से आया? पर्वतों से आया। पर्वतों में पानी का स्रोत क्या था? बर्फ। वो पिघलती रही गर्मी पाकर के, वहां से पानी आया। इस तरह जो भी काम कर रहे हो, हवा का खेल है, श्वास का खेल है। शरीर को जिंदा रखने के लिए, पूरी शरीर की एक्टिविटी के लिए श्वास चाहिए। आत्मदेव ये जान चुका है, इसलिए लगातार श्वास लिए जा रहा है छोड़े जा रहा है, लगातार लिए जा रहा है श्वास छोड़े जा रहा है। जैसे थोड़ा सा ये बंद हो जाए तो शरीर का पूरा सिस्टम एंड हो जाता है। तो आत्मदेव मुस्तैदी से लगा हुआ है ये काम करने में। ये श्वास नाभि में आ रही है, यहां से क्या क्या काम करती है सुनो।
ये खेला इंसान नहीं जान पा रहा है, पूरा आगे खेला ही पवन का है। ये श्वासाएं 10 प्राणों में बढ़ जाती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ब्यान देवतल देवदत्त नाग धनंजय ब्यान किरकिल आदि, ये 10 वायु, ये 10 रूपों में ये पूरी हवा काम कर रही है बॉडी में। अपान क्या कर रही है? अपान वायु भोजन डाइजेस्ट कर रही है और लेटरिन को बाहर फेंक रही है। गुदा द्वार से जो खारिज करते हैं अपान वायु है, अगर ये नहीं होगी तो भोजन हजम ही नहीं होगा, मर जाएगा आदमी। उदान कलेजे में, इसका क्या काम है? ये 10 रूपों में बढ़ जाती है। अपान को ऊपर नहीं चढ़ने देना, अगर ऊपर अपान चढ़ेगी जुलम मचा देगी। प्राण क्या है? हृदय में हार्ट को मूवमेंट प्राण वायु करा रही है, ठीक है। हार्ट जो पंपिंग कर रहा है ये भी हवा है। सर्वतन ब्यान जोड़ों में जो हाथ घूम रहे हैं, अगर ये गठिया हो जाएगा, ये गठिया भी गैस्ट्रोबल है, तो आपके हाथ पांव नहीं चलेंगे। ये जोड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है सर्वतन ब्यान। समान नाड़ियों को फूलने नहीं दे रही है, मोटापा नहीं आने दे रही है। जो मोटापा है ये भी गैस ट्रबल है। धनंजय क्या कर रही है? ताकत दे रही है। जो उठकर पैर रखा ये भी धनंजय वायु है, जो वजन उठाया ये भी धनंजय वायु है, जो बोल रहे हो ये भी धनंजय वायु है, जो सुन रहे हो ये भी हवा का खेल है, प्राणों का खेल है, प्राणों का खेल है। हवा कहां से आई? शरीर की संरचना पृथ्वी की यही है, हम वायुमंडल में हैं। हम सब कहां हैं? जैसे मछली के जीवन का आधार क्या है? जल, वो उसी में पलती है रहती है। आप वायुमंडल में हैं, आप हवा के समुद्र में हो, ठीक है। हर इंसान पर 450 टन हवा का दबाव है। आप कहां हो? वायुमंडल में, हवा में ताकत है। अब जब इंसान मर जाता है 24 घंटे बाद समान वायु निकलती है, इसलिए अकलमंद लोग कहते हैं 24 घंटे बाद संस्कार करना है। उसी टाइम नहीं, मर गया उठा करके आ जाओ जलाकर। लोग ट्राई करते हैं 24 आवर्स इसको रखें कम से कम। पर मोहे पीछे ले ले करते हैं नेक धरत नहीं धीर। मरे के पीछे सब कहते जल्दी पटा के आओ भैया, कहीं भूत नहीं बन जाए रात को चिबने का कर। जिस कुटुंब दे विश्रहा तू उम्र भर, रात रखण तो भयो घबराएंगे। एक रात रखने में भी डरेंगे। सुनी किरकिल नाक नींद ला रही है, देखा सोना भी नहीं, हवा है, हवा का खेल है। ये हवा का खेल किरकिल, ये नाक वायु रहती है कंठ में, इसलिए जब भी नींद आती पहले ही होती। और तत्वों से जुड़ा, जब नींद आ रही हो तो आदमी को बेवश कर देती है, करती है ना। जब नींद आएगी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सो जाए। सुनिए, यह है नाग वायु। नींद आए तो उससे कैसे बचे? जब आपको नींद आए एक गिलास पानी पीना, नींद गुम। जिसको नींद आ रही है हाथ खड़ा करे। एक गिलास पानी लाओ, प्रैक्टिकल देखते हैं। ये माई फिर सो जाए तो बता देना क्यों। पानी अग्नि तत्व को शांत कर देता है और नींद अग्नि तत्व के कारण है, इसलिए पानी पीने से नींद भग जाएगी। अरे जब कोई गुस्सा होता है तो पानी का एक गिलास क्यों देते हैं? कहते भाई पानी पी ले। जो अकलमंद माता है, बंदा गुस्सा हो गया तो कहते पानी पी ले पहले भैया, है ना।
इस तरह ये निद्रा अग्नि तत्व के कारण, अग्नि तत्व का वास मुंह में और कंठ में, जब भी नींद आएगी, जब जम्भवाई लेते हो कंठ ऊपर की तरफ सुकड़ता है। आदमी शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जाहिल ही जाहिल है, बाहर भटक रहा है, काया के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और किरकिल वायु नाशिका में ये क्या काम करती है, ट्रैफिक पुलिस वाले कि ट्रैफिक दसों वायु आपस में नहीं मिलने पाए, नहीं तो गड़बड़ करेंगी। ये पैरालिसिस है, ये भी गैस्ट्रोबल है, बीमारी है कफ पित्त वाय तीन से, इसलिए ये जब छींक आती है रिलैक्स फील करते हो, नहीं तो तनाव, जब भी ये वायु मिलेगी किरकिल वायु आ जाती है, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह नींदा दीदी। चलो ये कर्नल साहब की मैसेज, इन्हीं से हम थोड़ा ज्यादा पी लो, नींद आए तो फिर हमारी गारंटी है, कितनी देर, आधा घंटा नहीं आएगी, ठीक है, फिर थोड़ा पानी गर्म कर देगी जब अग्नि तत्व, तो फिर आ सकती है। अब नहीं आएगी नींद बहन जी, ठीक है, खुद देखना, खुद लगा कि थोड़ी चेतनता आई, लगा देख लेना। सुनिए अब, और किरकिल यहां है, ये क्या करती है, सभी वायुओं को नहीं मिक्स होने देगी, वायुएं मिक्स होगी तो गठान बन जाएगी, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, कभी नहीं देखते थोड़ी देर वायु रुक गई तो आदमी बेचैन हो जाता है, ये ट्रैफिक पुलिस वाला काम करती है। और देवदत्त पलकों को उठा गिरा रही है, ये पलकें क्यों उठा गिरा रहे हो, पलक क्यों झेपते हो, नहीं मालूम। पहली बात, इंसान को आई के लिए एक लिक्विड चाहिए, वो पलकों के पीछे इकट्ठा होता है, वो आंखों को आकर के ऐसे करने से लिक्विड पहुंचता है, अगर ये नहीं होगा तो आंखें खुश्क हो जाएगी, आई बाल पर असर पड़ेगा, ठीक है, एक तो ये, दूसरा पलक झेपने पर ब्रेन को बहुत रेस्ट मिलता है। आत्मदेव पलक भी झेप रहे हैं यहां, ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहे, आप एकाग्र होकर देखना तो पलक झेपने के लिए आप यूं कर रहे हैं और उठाने के लिए ऊपर कर रहे हैं, ये सब चीजें नेचुरल हो रही है। दो कारण भाई, हर आदमी यूं करता है, करता है, हाँ, फोटोग्राफर जी क्यों कर रहे हो, नहीं मालूम, देखा छोटी छोटी चीजें, हाँ एसडीओ साहब, हम सबके मुंह में लाल ग्रंथि है, बताओ, हम सबके मुंह में लाल ग्रंथियां हैं, कहां, जीभ घुमाकर देखना, इस साइड भी है, इस साइड भी है और नीचे भी है ना, इनका क्या काम है, लार पैदा करना, अगर लार पैदा होती है फिर लार को किसकी जरूरत है, कौन लार को चाहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम चाहता है और आपका कंठ, कंठ की कोशिकाएं कोमल है, लार नहीं मिलेगी तो मर जाओगे, आपको पल पल लार चाहिए, अगर लार नहीं बनेगी तो दो दो घूंट पानी पीकर जीना पड़ेगा, दो दो मिनट में एक एक घूंट पानी पियोगे। जग में
मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब आपको पल पल लार चाहिए। अगर लार नहीं बनेगी तो दो दो घूंट पानी पीकर जीना पड़ेगा। दो दो मिनट में एक एक घूंट पानी पियोगे। देखा अष्टकमल तल चक्कर सोधे, योगी आप में बोधे। इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमंडी रहे ठहराई। ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंकनाल में किया समारा। ये आत्मदेव इसे उदयपुर में लगा हुआ है, ठीक है। एक एक पल शरीर को जिंदा रखने के लिए एक्टिव है वो, नहीं तो ये पंचभौतिक काया जी नहीं सकती है। ये सब उसका करिश्मा है, ये इसे जिंदा रख करके चल रहा है। इसने इससे ममता रख ली है, इसने सोच लिया मैं यही हूं, इसलिए ये भागीरथी प्रयास करके रात दिन इसी में उलझा हुआ है। इसको कह रहे हैं जड़ चेतन है, ग्रंथ पढ़ गई, यदप मिथ्या छूटत कठिनाई। ये है अध्यात्म जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। किस्सा कहानी नहीं है रूहानियत। आत्मदेव जीवन 5-25 ही लागी, काम क्रोध मत लोभ में पागी। आत्मदेव उलझ गया, और जब ते जीव भय संसारी, छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी। जब से आत्मदेव ने अपने को बॉडी माना तभी से दुखी है ये। चैन हराम कर दिया इसने अपना, इसने अपना चैन हराम कर दिया। अदम शरीर है, इसकी नेचर बड़ी गंदी है। माया ने ऐसा शरीर बनाकर इस जीव को इसमें प्रवेश दिया, इसलिए आत्मा ने अपने को शरीर माना। फिर इससे बेटे बेटियां घर द्वार विवाद झंझट वो 5-25 ही लागी। गोस्वामी जी उत्तरकांड में यही बोल रहे, जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यदप मिथ्या छूटत कठिनाई। आत्मदेव ने अपने को शरीर मानना प्रारंभ किया। सच यह ये शरीर नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इसको अधम कहते हैं। अधम किसको कहते हैं? अधम कहते हैं निकृष्ट को, नीच को, जिसके काम ठीक नहीं, जिस तुच्छ है। अधम गंदा, क्यों अधम का? गंदी आदत है इसकी, ठीक है, इसलिए इसे अधम कहा। छित जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व ईर्ष्यालु हैं, अपना अपना चलाते, दूसरे को दबाना चाहते। पांचों तत्व एक दूसरे के विनाशक है। धरती को खत्म करने कोई और नहीं आएगा, ब्रह्मांड को यही खत्म करेंगे खुद ही। जल हमेशा पृथ्वी को नाश करना चाहता है, अग्नि हमेशा जल को नष्ट करने में लगी हुई है, वायु हमेशा अग्नि को बुझाने में लगा हुआ है, और शून्य हमेशा वायु को शोषित करने में लगा है, विलोम करने में लगा है। जब भी दुनिया मिटेगी तो दुनिया को मिटाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यही तत्वों का बैलेंस डिसबैलेंस होगा, यही मिटा देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लॉ जीरो कर देंगे। जो सपना पेखड़ा जग रचना तिम जान, महाप्रलय ग्रेट डिस्लेशन की यही है स्थिति। जल ही जल हो जाएगा, अधिक जल की मात्रा बढ़ जाएगी, उफान उठेंगे तो पृथ्वी उसमें घुल जाएगी। लो पृथ्वी खत्म हो गई, जलमय हो गई। जल को सूर्य शोषित कर देगा, देखा, जल को अग्नि खत्म कर देगी। सूर्य इतना नजदीक आएगा, धरती पर 50-50 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाएगा, इतना नजदीक हो जाएगा। 36 करोड़ मील दूर सूरज, इतना ताप आए, कल्पना करो नजदीक आ जाएगा कैसा होगा। पूरा जल आग खत्म कर देगी, वायु वायु हो जाएगी, वायु अग्नि को एंड कर देगी, और अग्नि को निराकार आकाश तत्व लय कर देगा, शून्य रहेगा। जा से उत्पत्त नान का लीन ताय मेजमान, देखा तत्वों ने तत्वों को विनाश कर दिया, इसी से फिर पैदा भी हो जाते। तो आत्मदेव इसी में लगा हुआ है, एक गृहस्थी में लगा हुआ है आत्मदेव। यहां आप साहब सतर्क सावधान कर रहे हैं,
श्वास और सुरत पर साहब बहुत बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। पवन ने झोंका दिया तो गगन गर्जा आन के, श्वास सुरत एक डोरी लाए अजर अमर हुए लोक सदावे। इसका मतलब है आत्मदेव को इससे निकालना होगा श्वासा से, ठीक है, उलझा हुआ है इसमें, उलझा हुआ है। और साहब इशारा दे रहे हैं, ये बात मैं आपके सामने पढ़ी लिखी नहीं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं 6-6 महीने सांस नहीं लेता था, यही तथ्य है, ठीक है। ये सांस आत्मदेव यहां से लेकर नाभि में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, नाभि से पूरे बॉडी में जा रही है, सभी काम इससे है, हाथ इससे चल रहे, पांव इससे चल रहे, धने जैसे उठ करके काम कर रहे, ये सब पवन है। खेल ब्रह्मांड का देखिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना डोरते हैं जाय लागी। पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की मैर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। आत्मदेव को एकाग्र होने में सबसे बड़ी रुकावट श्वासा की है, ठीक है, सबसे बड़ी रुकावट किसकी है, श्वास की। श्वास स्थिर नहीं है, जब तक ये चल रही है आप एकाग्र नहीं हो सकेंगे। जैसे श्वास नाभि में आई, नाभि में पहुंचाई जा रही है श्वास, आत्मदेव नाभि तक श्वास को पहुंचा रहा है, तभी साहब कह रहे अष्टकमल दल चक्कर सोधे, इसको सोधना है, जोगी आप में बोधे, इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहेब को देखा। वाह वाह वाह, सांस सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोय। कबीरा सुरत निरत से जोय, सांस सुरत के मध्य में। सांसा पर साहेब ने बहुत शब्द कहे, सांस सांस प्रभु समर ले, बता सांस मत खोए, ना जाने किस सांस में आवन होए ना होए, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, ये सांसा खाली जा रही है तीन लोक का मोल। सांस सुरत सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विश ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। वाह, जब लोग सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं मैं सवाल पूछता हूं, सब किताबी बातें होती है, ठीक है, पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इस पर साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, तेरा मेरा मन कसिक हुई, तेरा मेरा मन कैसे, तू कहता आंखन की देखी, तू कह मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। वाह, आइए नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमन बूझे, आप अलग लगा, खुद ही खुद हो जाएगा मामला, हमारी श्वासा नाभि में आ रही है। किसके द्वारा श्वास कैसे ली जा रही, किसके द्वारा, नासिका के द्वारा ही। तो दो नाड़ियां हैं, कुल 9 नाड़ियां हैं, इसमें इंडा और पिंगला दो मुख्य नाड़ी, मध्य सुषुम्ना हुई, बाएं इंडा दाहिने पिंगला, मध्य सुषुम्ना हुई। देखो अभी मेरी ये नाड़ी चल रही है, ये बंद है, देखो आप भी देखो, एक नाड़ी बंद होगी एक खुलेगी, आपकी नेचर कैसे बनती है आपको नहीं मालूम, जब भी ये नाड़ी चलेगी आप शांत होंगे, आप ज्ञान में होंगे, जब भी ये नाड़ी चलेगी आप तेज होंगे, ये सूर्य नाड़ी है, ये चांद नाड़ी है, जब ये नाड़ी चलेगी आपके शरीर में तेज होगा,
इसलिए युद्ध में कहा जब चंद्र नाड़ी चले लड़ाई करने नहीं जाना। हम तो कह रहे कभी नहीं जाना चाहिए लड़ाई करने। जब ये नाड़ी चलेगी आप शांत होंगे, आपके शरीर में तेज नहीं होगा, आप स्वस्थ होंगे। कभी कभी आप देखते हैं कोई प्लेयर बड़ा टॉप खेल रहा है, इसकी वजह है जब भी ये सूर्य नाड़ी चलेगी बहुत तेज होगा शरीर में, बिजली की तरह होंगे आप उस समय तेज होंगे। ये चंद्र शीतल है, ये नाड़ी जब ये चलेगी आप शांत होंगे। एट ए टाइम एक नाड़ी चलती है, ये रूटीन है। एक बंद क्यों हो गई, यही काल का खेल है। आपने कभी नहीं सोचा आपका एक स्वर क्यों बंद रहता है, ये बंद क्यों है नहीं मालूम। आपकी नाक, आपकी नाड़ी नहीं मालूम। मेरी बाई चल रही, जिसकी दहनी चल रही हाथ खड़ा करो, जिनकी बाई चल रही हाथ खड़ा करो। देखो ऐसा नहीं है कि इनकी हमेशा बाई चलती रहेगी, नहीं, इनकी भी कभी कभी चेंज हो जाएगी। क्या बात है, इसकी वजह है। इस जगह पर आप यूं करो तो कफ आती है ना, सिंघारा साहब कहां से आई कफ, इधर ही कफ बनती है, ठीक है। क्या होता है, कफ यहीं बन रही है, जैसे लार मुंह में बन रही ना, इधर कफ बनती है। कफ कभी इस साइड आ जाती है तो ये बंद हो जाएगा, कभी इस साइड आती है बंद हो। कभी कभी आप देखिए आदमी कहता है गुरुजी हमारी नाक नहीं चल रही है, हम उसकी नाक चला के बताएंगे कैसे। हमारी आत्मदेव प्राण यहां भेज रहा है, यहां नहीं आए प्राण, ये क्या है। सुनो साहब कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तहन जाए लागी। वाह, सुषमना खुलने से क्या होता है, आत्मदेव को निजात मिल जाती है श्वास लेने के काम से, ठीक है। क्या होता है, इसी को गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान हो जाओगे। फिर कह रहे हैं सोहमा अस्मेति तहां प्रति अखंडा, दीप शिखा सोहि परम प्रचंडा। रामायण में कह आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। कह रहे हैं जहां श्वास समाप्त होती है, दीप शिखा, शिखा चोटी को कहते हैं ऊपर की तरफ जाने से, सोहमा अस्मेति इति ना खत्म को कहते हैं, जहां श्वास खत्म हो जाए, सोहम श्वास को कहते हैं, वृत्त अखंड वृत्तकार अनंत है, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा प्रकाश भी है वहां, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्यानाशा। वहां आत्मा को जान जाओगे, क्यों अब आत्मदेव फ्री हो गया, अभी उलझे हुए हैं सांस में। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं था चाहिए दिया घृत बाती। क्या रहे, दिया घृत बाती की जरूरत भी नहीं है, पर जो ये प्रकाश देखा गया ये भी पवन का खेल है, ठीक है सिंघारा साहब। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। कह रहे हैं सूरत के दंड से घेर मन पवन को घेर लो, फिर उल्टा चले, फिर कर उल्टा चलना, यानी अभी नाभि में आ रहा सीधा। अरे हारे पलटू, पलटू साहब कह रहे हैं, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी सांसा। वाह, अब आगे समझा रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। मीरा बाई कह रही है तहां सिलहली गैल,
चढ़ू गिर गिर पड़ू, उठू सूरत संभाल चरण आगे धरू। ये सिलहली गैल क्या है? फिसलन वाला, जहां काई है भाई, चढ़ाई हो और काई हो तो आप जा सकते होगा, काई स्लिप खाकर नीचे गिरा देगी। तो कह रहे हैं ये चढ़ाई बड़ी घाटी बड़ी तगड़ी है, यहां चढ़ती हूं गिर पड़ती हूं। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम है। लेकिन जैसे आप एकाग्र हुए श्वास पलट के, किससे? श्रुति से पलटी जाए। अरे वही आत्मदेव तो श्वास नाभि में पहुंचा रहा है ना, उसको बता ऊपर चल, वो ऊपर ले जाएगा। ठीक है, जो आत्मदेव श्वासों को इधर पहुंचा रहा है उसको कहना चल ऊपर, वही तो नीचे भी पहुंचा रहा है, ऊपर पहुंचाएगा। इसको रामायण में कह रहे हैं उल्टा जाप जपा जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। लोगों ने सोचा मरा मरा जपा ब्रह्म, नहीं, उल्टा जाप का मतलब पवन को पलट दिया। ठीक है साहब, बार बार तकाजा कर रहे हैं श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। जोए का मतलब इकट्ठा करना, बोला इनके बीच है श्वास। श्वास जो सुमरता वो एक दिन मिली है, ये टेक्निकल और साइंटिफिक तथ्य है। जैसे श्वास ऊपर चलती जाएगी स्वाभाविक शरीर का बोध खत्म होता जाएगा। पर फिर मन क्या करता है? मन ये काम करने नहीं देगा। आपका शत्रु हमेशा आपका नुकसान चाहता है ना, मन श्वास नीचे पटक देगा ना, वो चाहता है यही रहे ताकि बॉडी रहे, वो चाहता है आत्मा तक नहीं पहुंचे। इसलिए वो कहां बैठा है? सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा, वो वहां बैठा है। वो क्या चाहता है? ये बाहरी दुनिया में रहे, अंदर नहीं घुसे। क्यों? वो जानता है अंदर घुसा मेरा भंडा फोड़ हो जाएगा, मन की ताकत खत्म हो जाएगी, मन समझ भी आ जाएगा। इसलिए वहां से क्या करता है? कोई ना कोई बात याद दिला है, सिंगारा साहब को ध्यान आया, एक लड़का थोड़ा सा लाइन पर नहीं है, क्या करे, बस ध्यान उसमें चला गया। तो ध्यान वहां सुरती चली गई, फिर आत्म श्वास से दरी गिरने लग जाएगी। फिर कहेगा आज कुछ लबा नहीं, छोड़ो। कई दिन ऐसा हो जाता है, आखिर हताश करना चाहता है। मन क्या चाहता है? आपको हताश करके ये बताना चाहता है कुछ नहीं है अंदर, पड़े रहो वही दुनिया में, बस साहब पार करे। वो कह रहा ठीक है कुछ नहीं, वो आपको हताश करना चाहता है वहां। ठीक है, इसका लक्ष्य है आपको नकारात्मक। आप ये माने कुछ नहीं यार, इतने दिन हो गए बैठते बैठते की लबा ये नेगेटिव सोच। मुझे एक चौधरी ने एक बात बोली, क्या बोला? जब मुझसे नाम लिया, पहले वो दूसरे पंथ में था, बड़ा खुश हुआ, बड़ा बदल गया, बोला मजा ही मजा, आनंद आ गया। उसने सोचा ढंडोरा पीटता हूं, दुनिया को समझा दूंगा। तो बेचारा लगा रहा कुछ दिन, जब दुनिया नहीं मानी, हताश होकर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा साहब जी पता नहीं क्यों सभी साहेबंदी वालों से जिद कर दे यानी हथियार फेंक दिए चौधरी ने, मुझे कह रहा था कोई मानता ही नहीं। मैं कहा देख चौधरी, तेरे में अभी नेगेटिव सोच आ गई। कैसा होता है? कुछ चालाक लोग हैं, मान लो कोई आपके पास उससे 15-20 रुपए हैं, वो 50-60 बोल रहे हैं, आप बोल जाता है यूं है, तो वो आपके दिमाग को पजल करता है। आखिर में ले भैया यार तू 50 रुपए पिंडा छठ में, ये आपको उलझा ले गया। ठीक है, ये उसने क्या किया? आपको उलझा दिया। उलझना नहीं है उसकी, वो चालाकी समझना है। मैंने कहा देख चौधरी, तेरी नकारात्मक सोच आ गई कि कोई मानता नहीं, ये मन ने किया, तू लगा रहे।
मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, जैसे कंसंट्रेशन हट गया तो सांसा जीव यहाँ फेंकेगा। आत्मदेव सुरत निरत एक कर भाई, दोनों को एक कर देना। सुरत क्या है? सुरत मेन कंसंट्रेशन, निरत क्या है? जो इधर बैठा हुआ सांस ले रहा है ये निरत देव है, ठीक है? सुरती घूम रही है दुनिया में सभी कामों में। सुरत निरत इकठाव लाए, दोनों को एक कर देना और सांसों को पलट दे। अब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कहीं से रुकावट आ रही है। जब ध्यान में बैठे समझ में आता जाएगा कहीं से फीलिंग आ रही है। धीरे धीरे मन पकड़ में आता जाएगा, समझ में आता जाएगा। यह है मन को मारना। मन साहेब बोल रहे हैं, जे मन मेरा लकड़ी होता, आरी से चिरवाता इस मन पापी ने, कि इसको चिरा देना था। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। बड़ा डीठ है ये, बड़ी नेगेटिव चीज है ये मन। इसलिए मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। किसी न किसी तरह आपके ध्यान को ले जाएगा। क्यों? उसका काम है आप सांसा में उलझे रहे। और साहब कह रहे हैं, सांस सुरत के मध्य में कभी निनारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। धीरे धीरे बढ़ती गई, आपको लगता जाएगा नीचे बॉडी नहीं है। हंसा चले ताल सुखाना लगेगा, क्योंकि सप्लाई बंद हो गई। धीरे धीरे शून्य होती जाएगी अवस्था। अब सांस ऊपर की तरफ चलते, अब मन कैसे दिखेगा? जैसे ये दिख रहा है, आप कंसंट्रेट भी हो गए, अब मन दिखेगा। ओ, आपको समझ में आएगा मन इज नथिंग, ये कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ ये बोल रहा है, मैं अनुकरण कर रहा हूं। सिर्फ ये बोलता है, मैं अमल करता हूं। मैं अमल नहीं करूं तो ये नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं, मन जाता है क्षण दो, गह के राग शरीर उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मन की ताकत को एंड करना, बस में करना कैसा है? ये जो भी बोले हम नहीं करें, ये है बस में करना। कोई मन को चेंज कर ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे मन को निर्मल कर, कभी नहीं हो सकता, ये है ही नेगेटिव चीज। इसको बस में करना है। जो मन को बस में कर, मन को बस में करने का क्या मतलब है? कोई ये बंदर नहीं है कि रस्सी से बांध कर रख दे। ये जो कहता जाए उसे अमल नहीं करना। 24 घंटे ये कह ही रहा है कुछ ना कुछ, उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार, हमेशा कंसंट्रेट है। सरस संभाले काज है तूना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कथो न जाए। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है, आठ पैर भीना रहे सुमरण सोई कहा है। इसलिए मन पर नियंत्रण करना। मन छीने कोई बड़ला भेदी, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ला कोई। मन ही जगत बनाता है, मन ही क्रोध लाता है, पूरा मन का खेल है। तीन लोक में मन है व्राजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से, पर अभी विज्ञान की पकड़ से बाहर चीज है। अब धीरे धीरे वो मन को समझता है, बाद में मन समझ जाता है ये बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलता। मन ही के हारे हार है, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई है मन ही के प्रति। तब क्या होता है सुनो, धीरे 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 सांस एकाग्र ऊपर चलती जाती है। ये धीरे धीरे सांस सिमट कर शून्य बन जाती है। सहजो सात सुखी कहे, लागी शून्य समाध। जब ये पलट जाती है, ये सांस से निकल गया, ठीक है, ये सांस से निकल गया, यहां अपने को अनुभव करने लगता है कि यथार्थ में मैं क्या हूं। जब अपने को आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्यानाशा। इसका भ्रम खत्म हो जाता है। अपने को रियल देख लेता है तो सोचता है कोई जरूरत नहीं दुनिया की किसी भी चीज की, मुझे न भोजन चाहिए न कुछ भी चीज चाहिए, ये केवल मन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। इसलिए देह में विदेह दर्शे करूं जगत से न्यार, वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ नहीं। अब वो तरंगों को हमेशा पढ़ने लगता
हैबिचुअल हो जाता है, वो जानकार हो जाता है। अब मन के किसी भी झांसे में कभी भी नहीं आता है, ये हुआ मन पर पूरा नियंत्रण। वो जानता है कि ये सब चीज़ें मेरा मन कर रहा है, ये पूरी मन की क्रियाएँ, ये है ही मन, और वो मन पर नियंत्रण कर लेता है। मन ही के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। अब वो आत्मदेव को समझता है कि मैं एक शुद्ध चेतन सत्ता हूँ। आइए एक सवाल, गुरु क्या देता है? सच ये है गुरु नामदान के टाइम पर दो चीज़ देता है, एक आत्मज्ञान, एक परमात्मा को हाजिर कर देता है। गुरु ने आत्म रूप लखायो, एक तो आत्मज्ञान देता है, दूसरा परमात्मा को प्रकट कर। आप मुझे कहेंगे साहेब जी हमें तो आत्मा का पता नहीं चला है, आप कहेंगे साहेब जी हम तो अभी भी साहेब की तलाश में हैं। संतों मोह देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। आपने आत्मा का, आत्मा के स्वरूप की एक कल्पना की हुई है, एक स्वरूप बनाया है, वैसा नहीं है। आपने सोच रखा है कि आत्मा लाइटें ही लाइटें होगी, प्रकाश ही प्रकाश, चमक ही चमक। आपने परमात्मा का भी ऐसा ही तो नक्शा अपने दिल में बनाया हुआ है कि अनंत प्रकाश। पर सुनो, यही बहम है, ये सब बिछली बातें हैं, पर आपको इसका यकीन नहीं होगा। यकीन करो, आपका काम पूरा कर चुका हूं, आपको क्या करना है वो बताऊंगा। पर ऐसी बात, एक बार एक माता मुट्ठी जम्मू में अपनी एक लड़की को उठाकर ले आई। लड़की फाइनल ईयर में पढ़ रही थी पीए। माता ने मुझे कहा गुरुजी 4 महीने हुई कुड़ी बेड बिस्तर पर रहती है। गुरुजी इसका थोड़ा पांव में प्रॉब्लम हो गई, फ्रैक्चर हो गया छोटा, डॉक्टर ने 2-3 बार प्लास्टर किया है, 6-6 हफ्ते। साहब जी कुछ दया करो, अब इसकी परीक्षाएं पांव रख नहीं पाती। मैंने लड़की को कहा उंगली हिलाओ, जिस पांव में प्लास्टर था उसने उंगली हिलाई, मैं जान गया। मैंने कहा जाओ प्लास्टर खोल के आओ। लड़की मुझे आश्चर्यजनक निगाहों से देखने लगी। मैं मनोविज्ञानी भी हूँ, आदमी का मन पढ़ता हूँ। उसने दिल में सोचा जाहिल गुरुजी, अनपढ़ फौजी। डॉक्टर ने प्लास्टर किया है ये कह रहे उतार के आओ। मैं कहा लड़की जा प्लास्टर उतार के आओ। गुरुजी ऐसा ऐसा, मैंने कहा बेटे प्लास्टर उतार के आई। मैंने एक लड़की को और कहा इसका पैर मलो। मैंने उसका पैर मलवाया, दरअसल उसको मौज थी, मैंने निकाल ली, ठीक हो गई। मैंने कहा चलो, तो लंगड़ा कर चलने लगी। मैंने कहा सुनो ठीक से, मैं उंगलियां इसलिए लाई थी, पहले ये देखा कि मेजर फ्रैक्चर तो नहीं था, अगर होता तो उंगली नहीं मूवमेंट करना था। वो लंगड़ी चलने लगी, वो चक्कर, ये काम करके फिर मैं चलवाता हूँ, ठीक है 5 मिनट, ताकि हड्डी अपनी जगह। वो लंगड़ी चलने लगी। मैं कहा सुन, तू यकीन कर मैं तुझे ठीक कर चुका हूँ, पर ये तुम्हारी आदत जो पड़ी थी ना लंगड़े चलने की, वो तुम्हें तंग कर रही है, तो सीधा क्यों नहीं चल रही है? थोड़ा डांटा फिर लंगड़ा। मैं एक को कहा पकड़ इसका हाथ, ते चला चले। बोला हाँ साहब जी सच में भी ठीक हो गई। मैं बोला ठीक हो गई,
सही में आपको मैंने उसी दिन ठीक कर दिया था जिस दिन खोपड़िया पर हाथ रखा था, पर आपको टेढ़ा चलने की आदत पड़ी हुई है ना, वो दिक्कत दे रही है। सच्चाई यह है कि उसी दिन ठीक किया था। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु फल में दिया पहुंचाए, गुरु ने आत्म रूप लगा। अब मैं सिद्ध करता हूं, पंप बास से पात्रा, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। कह रहे हैं पानी से भी पतला, हवा से भी झीना, फूल की खुशबू से भी बारीक मेरा मित्र है। साहेब बोल रहे एक कहूं तो है नहीं, वो एक भी नहीं है, दो भी नहीं, दुई कहूं तो गाड़ी है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। आगे कह रहे हल्का गरुआ जाए न तोली, वो हल्का भी नहीं है भारी भी नहीं है परमात्मा। रूप कुरूप जाए नहीं बोली, सुंदर और कुरूप नहीं, ये तो शरीर की संज्ञा है। जैसा तैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार, कहन सुनन से न्यारा है, कहने सुनने से न्यारा है, वो ऐसा है। वो आपने बीच की कल्पनाएं बनाई हुई है, ठीक है, सोना होगा, लाइटें ही लाइटें होगी, मजा ही मौजा, नहीं, ये रूप, रूप का बेस क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं साउंड, साउंड का बेस क्या है, साउंड का तत्व क्या है? देखो हार्ट इंटैक्ट हुआ, साउंड निकली, साउंड में क्या है? साउंड में दो चीज है, एक तो ये इंटैक्ट हुआ, एक तो प्रति तत्व, साउंड में ये दो चीजें हुई। दूसरा क्या है साउंड में? विंड, साउंड थ्रू हवाई, यानी ये साउंड परमात्मा कैसे हुआ? इसमें तो दो भौतिक तत्व है, वो पांच तत्व से परे हैं, ठीक है। अच्छा रूप, रूप में क्या है जो हम दृश्य देख रहे हैं? इसमें ही तो दिख रहा है ना, कोई सुंदर कोई साधारण, ये क्या है? आकाश तत्व, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आकाश तत्व की वृत्ति है। सिंघाड़ा साहब को देखा तो स्पेस का काम लिया, वो आया साथ में। रूप देखा तो रूप में आकाश तत्व आया, इसलिए वो अरूप है, रूप रूप से परे है। ये तो आपने कल्पनाएं बनाई हुई है कि बड़ा लाइटा मार रहा होगा, वो ऐसा नहीं है। आओ प्रकट कर दिया, एक जगह रूठे हुए बलमा बतिया ना करें, साहब ने गाड़ी में शब्द गाया, भोजपुरी अवधि, यानी कह रहे हैं बलमा प्रीतम रूठा हुआ है, बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। साहब क्या बोल रहे हैं? सही बात यह है कि साहब रूठा हुआ था, आपसे बात ही नहीं कर रहा था। क्यों? काहे रूठल बा बलमा बतिया नहीं करत, क्यों रूठा हुआ है बलमा बतिया नहीं माना? मैं मैली पिया थी उजला कस मिलना होई, मैं फूफड़ यो था। वो आपको पहले भी तरंगे दे रहा था, आपके अंदर ही तो है ना, आप नहीं मान रहे थे, वो रूठ गया, छोड़ो यार ये मान ही नहीं रहे तो इनसे बात क्या करना है, बोलना ही छोड़ दिया था हमने, फिर गठजोड़ करवा दिया, ठीक है, हमने फिर गठजोड़ करा दिया, हमने कहा बात करो इससे, नहीं रूठो इनसे, ये तरंगे आपको पहले भी दे रहा था। आओ मैं उदाहरण देता हूं, नामदान के बाद आपको लगेगा एक ताकत आपके साथ काम कर रही है, पक्का ये दावा है मेरा। वो क्या करती है ताकत? वो ताकत आपकी कोई नौकर नहीं है कि आपका आटा गूंदे, आपका हल चलाए, आपका भोजन बनाए, आलसी हो जाएगी। वो ताकत क्या कर रही है? जहां आपका बस नहीं चलता है वहां आ जाती है, काम करके चली जाती है, ठीक है। और आपको ये पता भी चल गया कि किसी ताकत की छाया में है अब आप, एक ताकत आपका ये है आपके साथ कर दिया, ठीक है, उसकी हाजिरी आपके साथ है। जिनको लगता है हमारे साथ एक ताकत काम कर रही है, हाथ खड़ा करना, यही बात। आत्म रूप दिखाएगा, पक्का आत्म ज्ञान दिया। आप कहेंगे हमें पता ही नहीं है, आओ पता भी देता हूं, पर आपकी बात तो वैसे ही है ना। एक बहू अपनी सास को कहा, माता जी वो गर्भवती थी प्रसव में थी, बोला जब मैं बालक को जन्म दूं मुझे जगा देना,
माता जी ने कहा फिक्र मत कर, तू खुद सबको जगा देगी। आपका तो वही हिसाब है ना। सुनो, मैंने आपको आत्मज्ञान दे दिया। कैसे? पहले शरीर में मन की हुकूमत थी, जो जो चाह रहा था आपसे करा रहा था। अभी नहीं, अब आत्मदेव मुस्तैद खड़ा है, आत्मदेव होश में है, मन की कोई बात जल्दी नहीं मान रहा। पहले आपको नशा था, जो चाहता था मन करवा रहा था, अब नहीं करा पा रहा है। अगर थोड़ी बहुत हरकत कर रहा है तो इसमें आपकी ढील है। रोप रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापे नहीं, तो आपकी वहां ढील होगी जो थोड़ी हरकत कर रहा है, ये आपकी ढील है। अरे आपका जॉइंट हमने जोड़ दिया, हड्डी टूटी, प्लास्टर किया, ओके कर दिया आपका, जंपिंग मत लगाना थोड़ा समय, ठीक है? जंपिंग लगाओगे तो ही टूटेगा, आप फिर जंपिंग लगाना शुरू करोगे वहीं से फिर फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए साहब ने एक शब्द कहा, सत्य नाम निज औषधि। सतगुरु दे ही बताए, सच्ची औषधि नाम रूपी साहब ने दे दी। आगे क्या बोल रहे हैं? औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। इसका मतलब है दवा लेकर परहेज करें उसकी पीड़ा चली जाएगी। अब आत्मदेव चेतन है, नतीजा आपके सामने है। पहले जो चाहता था करवा के छोड़ता था, अब आपका आत्मदेव इग्नोर कर रहा है, मंजूर नहीं कर रहा है। आत्मदेव पूरे पूरे होश में, और इसका रिजल्ट सामने है, आप बदल गए। कहीं कहीं सुरजीत सिंह फॉल्ट करता हुआ, फिर भी आत्मा नहीं मंजूर करती होगी, फिर उठ खड़ा होता हुआ, नहीं ये ठीक नहीं किया मैंने। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक है धक दरार। सोना टूट भी जाता है फिर भी योग्य है। इस तरह जो सज्जन भक्तजन है वो बिगड़ते नहीं है, अगर कहीं गलती की तो हमेशा पश्चाताप होगा। आत्मदेव मुस्तैद खड़ा है, कभी भी किसी गलत को इग्नोर कर नहीं कर रहा है, कभी भी किसी गलत को स्वीकार नहीं कर रहा है, मंजूर नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, गलत को स्वीकार कर ही नहीं रहा है। आत्मदेव चेतन कर दिया है, यह है आत्म रूप लखाना। आपने सोचा कोई दर्पण में दिखाना था, आत्मा को चेतन कर दिया, एक्टिव है, उसका राज चल रहा है। सिंगारा साहब सहमत हो गया मेरी बात से? परम प्रभु अपने ही उर्पायो, कहीं दूर तो था ही नहीं। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश, कबीरा ताको कौन संदेश। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सकती तो जा। यू तो घटघट साईया संतन करी पुकार, बलहारी उस घट की जागट प्रगट होए। आपके अंदर प्रगट कर दिया, ज्यादा काम नहीं किया भाई, दही में घी तो था ही, मन था नहीं मच करके, ऊपर आ गया, पहले गुप्त था। इस तरह पूर्ण सतगुरु नूतन सूरत संत के पास आ, आपके अंदर ईश्वरीय सत्ता को सृजित कर देता है। पूरे सिस्टम को आदमी नहीं समझ पाता है, इसी को जानना ही आत्मज्ञान है, कि हमारी आत्मा शरीर में कैसे काम कर, प्रभु हमारे शरीर में कैसे बैठा हुआ है, हमारी आत्मा का आधार क्या है, हमारे मन के कार्य करने की प्रणाली क्या है, ये जानना ही आत्मज्ञान है। लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे, दुनिया की किस्से कहानियों में उलझे हुए हैं। लेकिन मुझे एक खुशी है, मेरे लोग मुझे आकर एक बात बता रहे हैं कि साहब जी अभी सभी आपकी लय पर, आपके रिदम में, आपके उस पर नकल करके मन पर आत्मा पर बात करने लगे हैं। मैं कहा चिंता मत कर, धीरे धीरे मैं उनका रंग रूप भी बदल दूंगा। अभी मैंने उनकी बातचीत बदल दिया, कुछ समय बाद उनके कपड़े दाढ़ियाँ फाड़ियाँ ये भी सब उतार कर फेंकवा दूंगा, ठीक है? ये घमंड से नहीं बोलूँगा, बोल रहा हूँ क्योंकि वो जानेंगे कि इन सब ऐसे ही रहने से दुनिया मानती है, ठीक है ना। संगी